चलो आज तुम सभी को बायोलॉजी वाले सर के पास लेके जाते हैं। हाँ हाँ पापा, हम सभी रेस्टोरेंट पहले जाएंगे। साबन समाप्त हो चुका है। चलो ठीक है, अगर तुम लोगों का मन है तो आज हम सभी रेस्टोरेंट ही चलते हैं। आप बहुत अच्छे पापा हैं। हम सब रेस्टोरेंट में मटन भी खाएंगे और चिकन भी खाएंगे। आइसक्रीम भी खाएंगे। सबसे पहले यह बताओ, कल बायोलॉजी वाले सर ने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? उन्होंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन के बारे में। समझ में तुम लोगों को आ गया वह चैप्टर? हाँ पापा, समझ में आ गया। काफी आसान चैप्टर है। तो बता सकते हो एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं फूड हैबिट्स के बेसिस पर? मैं बताऊं पापा? बताओ। चलो बहुत अच्छा, एनिमल्स होते हैं। अब बताओ हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स, सेकंड में कार्निवोर्स और थर्ड में ओमनीवोर्स। द एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट मटेरियल्स को ही खाते हैं, जैसे काव होते हैं, रैबिट होते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पापा, मैं कार्निवोर्स के बारे में बताऊं? चलो बताओ, कार्निवोर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे टाइगर अंकल हैं, लायन अंकल हैं। वाह, वेरी गुड, तुम भी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो ठीक है गोलू, अब तुम बताओ ओमनीवोर्स क्या होता है? मैं जानता था तुम हमसे यह पूछोगी, ओमनीवोर्स क्या होता है। तो पापा और तुम भी सुनो मेरे आंसर को। एनिमल्स लाइक डियर एंड ह्यूमन बीइंग दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। जब साबन आता है तो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, और जब साबन समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले मटन चिकन पे टूट पड़ते हैं। चलो अब बताओ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन पारा साइटिक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन। वेरी गुड, अब ये बताओ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में एनिमल्स जो होते हैं वह फूड को ऑब्टेन करते हैं या सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में, और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं
वह अमीबा और ह्यूमन बीइंग में होते हैं। वेरी गुड। चलो अब बताओ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैं बताती हूँ पापा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं, वह एनिमल्स जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, वह डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर से करते हैं। और इसके एग्जांपल में फंजाई और कुछ बैक्टीरिया आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब बताओ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैं बताता हूँ पापा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। इसके एग्जांपल में राउंड वर्म्स आते हैं, टेप वर्म आते हैं। वेरी गुड, अब बताओ न्यूट्रिशन में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? पापा, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट में इंजेशन आते हैं, सेकेंड में डाइजेशन आते हैं, थर्ड में एब्जॉर्प्शन आते हैं, फोर्थ में एसिमिलेशन आते हैं, फिफ्थ में इगेशन आते हैं। वेरी गुड, अब बताओ इंजेशन होता क्या है? पापा बता दूंगा, लेकिन इसके बाद आप पहले रेस्टोरेंट चलें। जब तक मटन और चिकन नहीं खाएंगे तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। चलो अब मैं बता देता हूँ इंजेक्शन होता क्या है। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो प्लीज पापा, सबसे पहले मैं मटन खाऊंगा, उसके बाद आप डाइजेशन के बारे में पूछना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। चलो अब हम सभी रेस्टोरेंट में जाके मटन और चिकन खाएंगे। हम लोग तो मटन और चिकन अब खाएंगे। आप लोग क्या सुन रहे हो और देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद आप सभी नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन के बारे में जानोगे। तो सबसे पहले गोलू मोलू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। चलिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।